नाम सिद्धार्थ चौधरी। क्यों आए आंदोलन में, क्यों लगा आपको आंदोलन में जाना चाहिए? आंदोलन में हम इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे जो सरकार है उसने 3 कृषि कानून बनाए थे, वो तो उन्होंने वापस ले लिए हैं, लेकिन MSP पे हमें अभी तक गारंटी नहीं मिली है। और हमारे जो किसान शहीद हुए हैं वो उनको मुआवजा भी नहीं मिला अभी तक। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 6th क्लास में। आंदोलन से कैसे आपको दिलचस्पी है? आंदोलन में हमारे बाप दादा भाई बहन आते हैं तो अच्छा। मैंने भी सोचा कि उनका सहयोग करूँ। अभी लोग कह रहे हैं कि जब कानून वापस हो गए, आपने देखा होगा TV में, तो किसानों को चले जाना चाहिए, तो क्या लगता है आपको? कानून तो वापस हो गए हैं, लेकिन जो किसानों की एक और बहुत ज़रूरी चीज़ MSP, अच्छा, वो अभी तक उस पर कोई कानून नहीं बना है। तो जब तक उस पर कोई कानून नहीं बनेगा और जो हमारे किसान भाई शहीद हुए हैं उनको मुआवजा नहीं मिलेगा, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। बहुत बढ़िया। कहाँ से आते हैं, आपका घर कहाँ पे? हमारा घर मवी कला बागपत, जिला उत्तर प्रदेश में। बागपत, वहाँ पे क्या पैदा होता सबसे ज़्यादा? वहाँ पे गन्ने की खेती सबसे ज़्यादा होती है और गेहूँ भी। अच्छा, किसान कहते हैं कि हमें गन्ने का जो पेमेंट है वो बहुत दिनों से नहीं मिला है, तो उसके लिए आंदोलन करते हैं किसान या नहीं करते? उसके लिए करते हैं। गन्ने का पेमेंट भी बहुत लेट मिलता है। अच्छा। लेकिन शायद सरकार ने 14 दिन के अंदर कहा है, तो इस वजह से। लेकिन जब गन्ने की खेती होती है तो गन्ने पर तो MSP है नहीं है, तो फिर डिमांड क्यों, मांग क्यों कर रहे हैं? गन्ने में जो भाव मिलते हैं, जो प्राइस है गन्ने की, वो बहुत कम है। MRP वो बहुत कम है गन्ने पे भी। तो MSP नहीं है ना गन्ने पर? MSP नहीं है, लेकिन लागत ज़्यादा है और उसका भाव कम है, तो इस वजह से भी किसान आंदोलन कर रहे हैं। तो उसकी डिमांड कर रहे हैं ना, MSP की डिमांड फिर क्यों कर रहे हैं? MSP और किसी फसल जैसे गेहूं, चावल और कई सारी फसल हैं, उन पे MSP भी बहुत ज़रूरी है, इस वजह से MSP भी ज़रूरी है। गेहूं चावल की फसल होती है यहाँ पे? जी होती। लेकिन लगता है आपको सरकार मानेगी MSP के बाद? मानेगी, जरूर मानेगी, आज नहीं तो कल मानेगी, और मानना पड़ेगा। जो TV चैनल है ना, वो कह रहे हैं कि किसानों को लगता है 1 साल और बैठना पड़ेगा। एक साल क्या, हम 101 साल बैठ जाएंगे। नुकसान बहुत हो रहा है। नुकसान तो किसानों का भी तो हो रहा है साथ में। किसानों की बात कर, वो जल्दी से जल्दी मांग हमारी पूरी करे, हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन कुछ किसान कह रहे हैं कि अब हमारी समस्या सोल्व हो गई, अब कोई फायदा नहीं है बैठने का, चले जाना चाहिए। तो उन किसानों को भी हमें अवेयर करना चाहिए कि हमारी सारी मांगें अभी तक पूरी नहीं हुई है। सिर्फ 3 कृषि कानून वापस हुए हैं, MSP और कई सारी और मांगें अभी तक पूरी नहीं हुई है। पर आप लोग मांग कर रहे हैं कि जो किसान शहीद हुए हैं कि उनको मुआवजा मिलना चाहिए, पर वो मामला तो राज्य सरकारों का है ना, उसमें केंद्र सरकार कैसे करेगी? वो जो मुआवजा है, देखिए, अगर हम लोग अब उठ के घर पे अपने जाने लगे, तो जो किसान शहीद हुए हैं उनको घर वालों को हम क्या जवाब देंगे कि हम लोग कायर थे, हम वहाँ से चले आए, भाग गए हैं वहाँ से, आपका मुआवजा नहीं दिला पाए हम, तो इस वजह से भी। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 11 साल। इतना सब कुछ समझ में कैसे आ रहा है, कायर और मुआवजा सरकार? वो तो सब चारों तरफ ऐसा ही माहौल बन जाता है ना, फिर माहौल मिल जाता है। TV नहीं देखते? TV देखते हैं। तो TV ये नहीं दिखाता कि मोदी जी जो है बहुत अच्छा काम करते हैं? मोदी जी ये रोड और वगैरह ये सारी चीज़ें तो अच्छी कर लेते हैं, लेकिन किसानों के मामले में तो कुछ करते ही नहीं है। वो अच्छा करना चाह रहे थे, वो कह रहे थे ना कि हमारी तपस्या पूरी नहीं हुई, आप लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया। तो हमें भी तो किसानों को लगा कि 3 कृषि कानून गलत है, काले हैं, और MSP भी नहीं मिल रही थी। MSP सरकार कहती है कि MSP थी, है और रहेगी, लेकिन अभी हम मंच पे एक किसान नेता वो दे रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि रेट MSP सरकार कुछ लगाती है, लेकिन वो बिकते कुछ उससे कम रेट पे हैं, तो इस वजह से कम MSP पे कानून जरूरी चाहिए। लेकिन ये समस्या बहुत पुरानी है, किसान यूनियन जिंदाबाद। ये समस्या बहुत पुरानी है, लगता है आपको ये सरकार सॉल्व कर देगी MSP वाली? करना पड़ेगा सरकार को, हम लोग यहाँ पर ऐसे थोड़े ही बैठे हैं, करना पड़ेगा। बनेगा दबाव किसानों की तरफ से?
बहुत दबाव है और बनेगा और हम बनाएंगे आगे भी। बड़े मोटे मोटे मच्छर हैं यहाँ पे, डेंगू फैला हुआ है दिल्ली में, हमें क्या फर्क, तो हमें क्या फर्क पड़ता है? क्यों किसानों को क्या, किसानों को कुछ फर्क नहीं पड़ता है आंदोलन में कोई आदमी। अच्छा एक बात ये भी होती है, कोरोना वायरस आप आए बात कर रहे हैं ना, वैसे बात होती है कि पिकनिक मना रहे हैं किसान यहाँ घूमने आते हैं, हाँ भंडारा चल रहा है, लंगर लगा हुआ है, आते हैं घूमने, वो तो झूठ बात है सब, यहाँ पर संघर्ष के लिए आते हैं लोग, संघर्ष के लिए। अब इतने आप कह रहे थे अभी डेंगू के मच्छर है, तो डेंगू के मच्छर में कोई पिकनिक मनाने तो नहीं। घर वाले क्या सोचते हैं, जैसे यहाँ पर तुम्हारे पापा चाचा ताऊ तो यहाँ आंदोलन में है, तो घर के जो मम्मी है ताई है वो क्या क्या करते हैं? वो भी सब खेती से जुड़े हुए हैं, और वो भी करती है मांग ऐसी, वो भी कहती है हमें कि हमें भी लेकर चलो। अब हम पापा जी करते हैं, सारा परिवार हमारा खेती करता है। वो लोग कौन करता है? तो हम अपना थोड़ा कर, नुकसान उठाना भी तो पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना अच्छा, भी पड़ता है। पापा ताऊ चाचा दादा ये लोग यहाँ पे अगर आ गए हैं तो घर में तो महिलाएं बहुत खुश होंगी भाई, वो तो उन्हें पता होगा, हमें तो पता नहीं होगा। ये नहीं कहती कि आ जाओ वापस? नहीं नहीं कहती, वो तो कहती है कि कभी मौका मिले तो हमें भी लेके आया करो। तो कल आपने जो है कंगना राणा को जो है रोक लिया किसानों ने, उन्होंने माफी मांगी है, तो उसे और क्या करा, माफी मांग ली छोड़ दिए और क्या करा, सबक रोकना ठीक है क्या? सबक सिखाना जरूरी था कि देश के अन्नदाता को कोई इस तरह की बात करे। तो एमएसपी के लिए एक साल और बैठ सकते हैं क्या? इतनी ताकत है अभी? अरे हमारे अंदर इतनी ताकत है कि एक नहीं 101 साल भी बैठना पड़े, हमारे अपने बच्चों को आने वाले भविष्य को सुधार करके जाएंगे। जो इकोनॉमिस्ट हैं, हाँ, जिनको टिकैत साहब कहते हैं कि बिल्डिंगों में रहते हैं वो खेत में नहीं जाते, वो कह रहे हैं कि पूरी तबाही हो जाएगी भारत की क्या अगर एमएसपी लागू हुई तो। कैसे होगी ये बता दो। हाँ, वो यही कह रहे हैं। देखिए उनका काम क्या, हाँ, जैसे सरकार कहती थी, हाँ, कानून अच्छे हैं, कैसे हैं पता नहीं, देश की तबाही हो जाएगी, कैसे होगी उनका पता नहीं। अरे इकोनॉमिस्ट हो तो उसका रखो, मैथमेटिक्स का सवाल होता है, जब हल नहीं होता तो सूत्र लगता है, हम पूछ रहे हैं कि कैसे तबाही होगी, वो सूत्र हमें बता दो, हम भी तो मान लें। वे इकोनॉमिक्स बताएं कि किसान के लिए एमएसपी फायदे की चीज़ है या नुकसान की, सरकार बताए, बताती क्यों नहीं? आपको लगता है हरेंद्र जी सरकार सारी खरीदारी कर लेगी? हमने कब कहा सरकार सारी खरीदारी कर ले, हमने ये कहा है कि जितना सरकार को जरूरत है उतना सरकार खरीदे, जो बाजार में माल बिकता है वो बाजार में हमारा कम रेट पे ना बिके, कोई किसी को खरीदना हो खरीद ले, ना खरीदना हो मत खरीदे।